नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर मुना आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मुना बाबू मिक्सिंग पर। और आज मैं जो बताने वाला हूं कि जो अपने घर में हम कॉलम का यूज करते हैं, ब्रिक वर्क का यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम कॉलम का कास्टिंग कर ले या ईटा जोड़ाई करने के बाद कॉलम कास्ट करें, इस सारी चीज पर आपको मैं आज बताने वाला हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी मैं इस प्रकार का नॉलेजेबल वीडियो बनाऊं, जब भी घर के बारे में आपको जानकारी दूं, तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए बताते हैं कि जो हम अपने घर में कॉलम और ब्रिक वर्क करते हैं, तो सबसे पहले हमको कॉलम का कास्टिंग कर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक मंदिर बन रहा है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मंदिर बन रहा है, ट्रस्ट में मंदिर चला गया है, यहाँ मंदिर बन रहा है, यहाँ पे सबसे पहले कॉलम कास्टिंग हुआ है। कॉलम कास्टिंग करने के बाद इस पर स्लैब, आप दिखाइए ऊपर में, स्लैब का भी कास्टिंग हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इससे हमको फायदा क्या होता है कि जब हम पहले सबसे पहले कॉलम कास्टिंग कर देते हैं, तो इसमें जो आपका स्लैब का लोड है, स्लैब का लोड प्लस में डेड लोड, इसके बाद जब ब्रिक वर्क करेंगे कॉलम करने के बाद, तो ब्रिक वर्क इस सारा लोड आपका कॉलम पे आता है, बीम पे आता है, और इसी प्रकार इसका डेड लोड भी आपका कॉलम पर भी आता है, और भविष्य में अगर अर्थक्वेक होगा, मतलब कभी कंपन होगा, तो उसका भी लोड आपका कॉलम पर ही आता है। तो सबसे पहले अगर आप कॉलम करेंगे, कॉलम का कास्टिंग करेंगे, उस पर स्लैब कास्ट कर देंगे, तो आपका जो घर रहे वो मजबूती रहेगा। और अगर आप पहले ब्रिक वर्क करते हैं, मतलब पहले ईटा की जोड़ाई करते हैं, इसके बाद कॉलम कास्टिंग करते हैं, तो क्या करता है, जो कॉलम है, कॉलम ईटा को जमका के अपना जो लोड है पूरा ब्रिक वर्क पर करेगा। उससे क्या होगा, कभी भविष्य में अर्थक्वेक होगा या जो स्लैब का आपका लोड होगा, डेड लोड होगा, सब ब्रिक पर आ जाएगा, मैंने आपका ईटा पर आ जाता है। ईटा पर आने से कभी कभी देखते होंगे कि जब आप अपने घर में प्लास्टर करते हैं तो आपका घर में दरार आ जाता है, और जब भी आप अपने घर में ब्रिक वर्क करते हैं तो हरेक 900 mm पर, मतलब 3 से 4 फीट पर आपको एक बैंड देना चाहिए, ताकि आपका जो आप जो ब्रिक वर्क कर रहे हैं उसका जो लोड है आपका कॉलम पर ट्रांसफर हो। तो हमको जो बताया गया है कि कॉलम कास्ट करें पहले कि ब्रिक वर्क करें, तो सबसे पहले हमको कॉलम कास्ट करना चाहिए, ताकि हमें भविष्य में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, और जो स्लैब का लोड है डायरेक्ट कॉलम पर आए, कॉलम से डायरेक्ट आपका बीम पर आए, अब बीम से आपका डायरेक्ट फुटिंग पे ट्रांसफर हो जाए, ये चीज हमको प्रोसेस हमेशा फॉलो करना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ दिखाइए, हर जगह पे, यहाँ पे हर जगह पे पहले कॉलम कास्ट किया गया है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हर जगह पे पहले कॉलम कास्ट किया गया है, इसके बाद ब्रिक वर्क। तो कुछ लोग बोलते हैं कि जब ब्रिक वर्क करते हैं कॉलम कास्ट करने के बाद, तो उसमें जैसा कि दरार आ जाता है, दरार आने का कारण है कि जब आप कॉलम कास्ट करते हैं, कॉलम कास्ट कर लेते हैं, जब ब्रिक वर्क करते हैं, तो कॉलम में कम से कम ऐसे ऐसे दागी कर देना चाहिए। दागी करने के बाद उसमें अच्छा सा घोल, जो घोल होता है सीमेंट सैंड का, जो हम लोग घोल बनाते हैं, स्लरी बनाते हैं, उसको अच्छे गाढ़ा घोल करके, और इसमें पूरा पूरा दागी करके, उसको घोल करके, और इसके पास जाली, एक चिकन में जाली आता है, उसको दे के आप ब्रिक वर्क करेंगे, आपका जो घर का दीवार होगा, वॉल होगा, पूरा मजबूती से आएगा। किसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।